क्वेश्चन है, ए मैन यूज ए कंकेव मिरर फॉर सेविंग, ही कीप हिज फेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड गेट्स एन इमेज व्हिच इज 1.4 टाइम एनलार्ज, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ हमें निकालनी है क्या होगी, तो हमने मान लिया कि वो, मान लीजिए इसमें का 25 सेंटीमीटर और 1.4 टाइम लार्ज है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होगा वो F और P के बीच में रखा होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, F और P के बीच में होगा 25 सेंटीमीटर, तभी तो हमारे पास जो इमेज होगी 4 टाइम लार्ज बनेगी, यानी कि बैक साइड ऑफ मिरर हमारे पास बनेगी वो यहाँ पे बनेगी कितनी, 1.4 H। इसकी हाइट H है तो ये क्या हो जाएगी, 1.4 H हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि माइनस बी बाई यू मैग्निफिकेशन होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, ई बाय होके, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस बी डिवाइड बाई यू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 25 इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट, हमारे पास इमेज की हाइट 1.4 H इंटू में H, H से H क्या हो कैंसिल, तो B इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1.4 इंटू 25, तो B इक्वल टू आ गया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आए यानी कि सही था कि ये बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकाल देंगे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि फोकल लेंथ निकालने, 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एफ। यू कितना है, माइनस 25 प्लस बी क्या है, 35 इक्वल टू फोकल लेंथ कंकेव मिरर, तो फोकल लेंथ हमें निकालें तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 175 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय एफ, तो 1 माइनस 2 बाय 175 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय एफ, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 175 माइनस का डिवाइड बाय में क्या आ गया, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 87.5 सेंटीमीटर पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। ये नेगेटिव आई है यानी कि सही है, क्योंकि कंकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। दिस इज द क्वेश्चन।